कमर्शियल राजधानी को रखने वाला ये राज्य केवल कमर्शियल ही नहीं आर्ट का भी खजाना है। यहाँ की अजंता एलोरा की गुफाओं पे उकेरे हुए चित्र ये बयां करते हैं कि यहाँ पे कला का कितना पुराना रिश्ता है। महाराष्ट्र, वैसे यहाँ पे चित्र और कला सिर्फ चित्रों में ही नहीं मिलती, यहाँ पे ये साड़ियों पर भी खूब खिलती है, पैठनी साड़ी। खैर, आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के वारली आर्ट की। वारली आर्ट एक आदिवासी कला है और वारली का अर्थ भूमि का टुकड़ा या मैदान होता है। प्रकृति को माँ का स्वरूप समझ करके उसमें कला का चित्रण किया जाता है और मानवीय और प्रकृति के रिश्तों को गहराई से बताया जाता है। इन पेंटिंग्स में खास तौर पर त्रिकोण, सर्कल और स्क्वायर का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हीं सहज ज्यामिति आकृतियों में बहुत सारे गहन अर्थ छुपे होते हैं। इसके अंदर जो एक वर्ग होता है उसे चोक या चौकट कहा जाता है। ये दो प्रकार का होता है, देव चोक और लक्ष्य चोक। इसके अंदर माँ पाल घाट का चित्रण किया जाता है जो एक भाईचारे का प्रतीक है। सहज से दिखने वाली ये पेंटिंग आदिवासी जीवन के रोजमर्रा जीवन को दिखाती है, जैसे मछली पकड़ना, शिकार करना, खेती करना आदि आदि। लाल गेरू के ऊपर चावल की लई से बनाए थे जाने वाली सहज सी पेंटिंग हमें सहज जीवन का पाठ पढ़ाती है ना इंटरेस्टिंग? तो जय महाराष्ट्र, अगली बार महाराष्ट्र में वारली आर्ट से जरूर मिलेगा। तब तक के लिए गुड बाय।